क्या बात है, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। शुरू शुरू में बदलाव के नायकों के साथ ही नहीं हुआ करते, लेकिन एकला चलो से शुरू हुई कहानियां आज संगठन बन गई हैं। अब देखिए कि वडोदरा के एक डॉक्टर को एक्सीडेंट के बाद मदद नहीं मिली तो रोड एक्सीडेंट में घायलों की मदद करने के लिए पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। वहीं कोलकाता के विपिन गणात्रे आग से लड़ाई के ऐसे योद्धा हैं जिन्हें किसी सरकारी ओहदे की दरकार नहीं है। दोनों को पद्मश्री। एक एक्सीडेंट से बदल गई एक डॉक्टर की जिंदगी। 4.5 घंटे तक सड़क पर तड़पते रहे, कोई मदद को नहीं पहुंचा। वडोदरा के सुब्रतो दास को पहली बार एहसास हुआ कि हाईवे पर एक्सीडेंट होने पर घायलों को मिलने वाली इमरजेंसी सर्विस ठीक नहीं है। इसके बाद उन्होंने गुजरात में लाइफलाइन फाउंडेशन की शुरुआत की। आज महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं सुब्रतो। हादसा होने पर 40 मिनट से कम वक्त में मदद पहुंचाते हैं। अब तक 1200 से ज्यादा घायलों को बचा चुके हैं। 99 में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था बासत के पास, एंड उस एक्सीडेंट के समय हम 4.5 घंटा रास्ते पे पड़े रहे थे, बच गए थे। तब वो आइडिया आया, फिर दोस्तों के साथ मिलकर ये खड़ा किया हमने। सरकार ने डॉक्टर सुब्रतो को पद्मश्री से नवाजने का ऐलान किया तो उन्होंने इसे एम्बुलेंस के ड्राइवरों को समर्पित कर दिया। हर ड्राइवर को जो एम्बुलेंस चलाता है, जो पैरामेडिक जो एम्बुलेंस में जाता है, लोगों को बचाता है, डॉक्टर नर्स उनको जो अपना जान जोखिम में डाल के लोगों को बचाता है, उनको डेडिकेट करना चाहिए।